हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेप्टिक टैंक और सोक पिट का प्लान बना करके दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम सेप्टिक टैंक और सोक पिट का प्लान तैयार करते हैं। इस वीडियो में आपको इस चीज़ की कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो के बाद मैं सेप्टिक टैंक और सॉक पिट का सेक्शन व्यू भी आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेप्टिक टैंक का प्लान कैसे बनाते हैं, सेप्टिक टैंक का सेक्शन व्यू कैसे बनाते हैं। तो हम जो अभी प्लान बनाएंगे वो उसको हम तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेप्टिक टैंक को तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सेप्टिक टैंक में जो मलवा आएगा, जो पानी आएगा, वाटर आएगा, वेस्टेज वाटर जो आएगा वो फर्स्ट सेक्शन में आएगा। फर्स्ट सेक्शन में आने के बाद एक डिवाइडिंग नीचे से एक बॉर्डर डालेंगे। उस बॉर्डर को क्रॉस करके जो पानी होगा वो उस बॉर्डर से क्रॉस करके सेकेंड सेक्शन में जाएगा, और सेकेंड सेक्शन से फिर जो वेस्टेज वाटर है वो थर्ड सेक्शन में जाएगा, और वहाँ से फिर उसका प्रवाह जो है वो आउटलेट पाइप के माध्यम से सॉक पिट में जाएगा। तो सॉक पिट और सेक्शन और सेप्टिक टैंक दोनों का आज मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जिसमें अलग अलग मेंबर फैमिली में जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सेप्टिक टैंक का क्या साइज़ होना चाहिए, मिनिमम साइज़ क्या रखना चाहिए वो उसमें दिया गया है। हालांकि उसमें जो दिया गया वो काफ़ी छोटा है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम एक स्टैंडर्ड साइज़ लेकर के काम करेंगे, 15 फीट बाई 8 फीट का। हम जो सेप्टिक टैंक बनाएंगे वो 15 फीट, उसका लेंथ जो होगा वो 15 फीट होगा और विड्थ जो होगा वो 8 फीट होगा। और उसके बाद उसके बगल में जो सॉक पिट बनाएंगे वो हम बनाएंगे 6 फीट डायामीटर का। क्लियर है? अब देखिए, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए, सेप्टिक टैंक जो जहाँ पर भी बनाया जाता है उसके लिए, अगर सेप्टिक टैंक बहुत बड़ा है, जैसे 15 फीट का है, लेंथ 15 फीट है और विड्थ 8 फीट अभी मैं रखूँगा, तो इसके लिए 4 स्टेपनर काफ़ी हो जाता है। 4 स्टेपनर से ही काम चल जाएगा। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फाउंडेशन बनाते हैं, कॉलम का फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेप्टिक टैंक का भी बेस जो होगा वैसे ही बनता है। सबसे पहले जहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाना है वहाँ पर हम मिट्टी वहाँ से निकालते हैं, चाहे जेसीबी से निकालें या लेबर के माध्यम से निकलवावें। मिट्टी वहाँ पर जब निकल गया हमारा जो हाइट है, हमने उस हाइट को अचीव कर लिया। हाइट जो मैं रखूँगा वो 6 फीट रखूँगा, और ग्राउंड लेवल से नीचे डेप्थ 6 फीट रहेगा और ग्राउंड लेवल से 2 फीट ऊपर रहेगा। चूँकि प्लिंथ भी बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लिंथ मान लीजिए कि अगर 4 फीट है तो मैं 2 फीट तक सेप्टिक टैंक का ये लेने वाला हूँ, उसको ऊपर, सेप्टिक टैंक को 2 फीट ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ। तो सेप्टिक टैंक का टोटल हाइट 8 फीट हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड होता है। तो ये हो गया। तो जहाँ पर मिट्टी जहाँ पर निकालेंगे हम सेप्टिक टैंक के लिए, तो जैसे चारों कॉर्नर पर जो कॉलम लगेगा, जो कॉलम का जो भी साइज़ हो, तो कॉलम का जो हम जाली तैयार करेंगे, तो वहाँ पर हम कॉलम के लिए जाली नहीं तैयार करेंगे बल्कि उसके बेस का पूरा जाली, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन करते हैं। सबसे पहले जो जहाँ पर से हम मिट्टी निकलवाए हैं उस जगह पर पहले लोकल सैंड फिल करते हैं, 3 इंच 2 इंच 3 इंच लोकल सैंड फिल करके उस पर ब्रिक ऑन फ्लैट सोलिंग करवाते हैं। ब्रिक ऑन फ्लैट सोलिंग हो गया, अब उस पर जाली रख करके कम से कम 6 इंच 6 इंच कम से कम उसको हमें कास्टिंग करवाना होता है। आप 9 इंच 8 इंच जो लोकेशन के हिसाब से जो प्रीफर हो, लेकिन मिनिमम 6 इंच उसको कास्टिंग करवाना मस्ट है।
ये करने के बाद कास्टिंग हो गया, कॉलम उसी के साथ अटैच हो गया, कॉलम का जो रड है अब उसको कास्टिंग कर दी, और फिर वहाँ से चारों साइड से कॉलम को भी कास्टिंग कर रहे हैं और ब्रिक वर्क भी हम कर रहे हैं। तो आउट ब्रिक वर्क जो करना होता है सेप्टिक टैंक का, वो चारों साइड से कम 10 इंच होना चाहिए, कम से कम 10 इंच होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो मटेरियल यूज़ करना होता है सीमेंट, खास करके कोशिश करना चाहिए कि वो वाटरप्रूफ सीमेंट हो, और अगर वाटरप्रूफ सीमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसमें वाटरप्रूफ लिक्विड जो आता है वो हमें वहाँ पर यूज़ करना बहुत मस्ट हो जाता है। और जब ब्रिक वर्क हो गया, हम ग्राउंड लेवल तक आ गए, और उसके बाद अब उसमें बीच में सेक्शन बनाएंगे, तीन दो सेक्शन दो बीच में दो सेक्शन बनता है, जिससे मेरा जो सेप्टिक टैंक है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये सब करने के बाद आउटर वाल जो मेरा हुआ और इनर वाल जो भी, मतलब जितना भी ब्रिक वर्क उसमें हो रहा है, सब में प्लास्टर करके उस पर पन्ना चढ़ाया जाता है, यानी सीमेंट का घोला उस पर पूरा बढ़िया से चढ़ा करके उसमें वाटर प्रूफिंग करना होता है ताकि लीकेज की समस्या ना हो। ये करने के बाद आपका सेप्टिक टैंक रेडी हो गया, इनलेट पाइप उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और फिर प्लम्बर को बुला करके जो बाकी का आगे का प्रोसेस है वो प्रोसेस प्लम्बर उसको करते हैं। तो ये प्रोसेस इतना करना होता है, ये हो गया थ्योरी की बात। अब मैं आपको नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ, ये नोट्स हैं, यहाँ पे दिया है सेप्टिक टैंकों के अनुमोदित किए गए माप तथा क्षमता, यानी उसके मेजरमेंट और कैपेसिटी के बारे में दिया गया है। यहाँ पे है प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नंबर, मिनिमम 5 नंबर है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15, 20 और 50 लेकर के अलग अलग श्रेणी में बनाया गया है। तो 5 अगर मेंबर है, 5 मेंबर के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें लेंथ कम से कम हमें 1.5 मीटर रखना होगा, और विड्थ जो है 0.75 मीटर रखना होगा। और फिर यहाँ पे है तरल की गहराई साफ़ करने वाले अंतर, 6 महीने के लिए कोई इसमें मेज़रमेंट नहीं है। एक वर्ष में अगर साफ़ करना है तो 1 मीटर, 2 वर्ष में करना है तो 1.05 मीटर। ये एक तरह से, मतलब अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकली देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसको फॉलो किया जाता है। ये मिनिमम दिया गया है कि आप एक, मतलब आपको एक एवरेज पता तो होना चाहिए ना कि है मिनिमम क्या रखना है। मान लीजिए कि अगर आपसे क्लाइंट क्वेश्चन कर देते हैं कि मेरे पास, मेरे घर में 5 मेंबर हैं और मैं चाहता हूँ कि 2 वर्ष में अपने घर सेप्टिक टैंक की सफाई करवाऊँ, 2 वर्ष में मैं सफाई करवाऊँगा, तो उसके लिए मिनिमम क्या साइज़ रख सकते हैं, तो वो आप इसको बता सकते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड एरिया लेकर के चलना है, और ये भी देखना है कि हम जो एरिया ले रहे हैं वो उस प्लॉट के लिए, उस प्लान के लिए कहाँ पर सुटेबल होगा। अगर ऐसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र का कहना हुआ कि सेप्टिक टैंक और सोक पिट जो है वो घर से बाहर होना चाहिए, घर के 4 दीवारी से बाहर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश जगह की कमी की वजह से सेप्टिक टैंक घर के अंदर बनाना पड़े तो सेप्टिक टैंक का जो वाल होगा वो घर के वाल से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कोई कि किसी रूम में या हॉल में हम सेप्टिक टैंक देने वाले हैं, तो सेप्टिक टैंक का जो पिलर होगा, कॉलम होगा, वो हॉल के बीच में आना चाहिए, वो घर के कॉलम से कॉलम में हम उसको यूज़ ना करें। हालांकि मैंने देखा है आमतौर से साइट विजिट में कि सेप्टिक टैंक का जो कॉलम होता है वो घर में जो कॉलम प्रोवाइड करने वाला कोई 4 कॉलम होगा, जैसे स्टेयरकेस का हो गया या किसी रूम का हो गया या बरामदा का हो गया, तो उसी कॉलम से सेप्टिक टैंक का काम हो जाता है। इससे क्या होता है कि खर्च भी कम हो जाता है, बचत भी होता है और टेंशन भी नहीं होता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक का अलग कॉलम, सेप्टिक टैंक का जो डेप्थ होता है वो कॉलम के दूसरे कॉलम के फाउंडेशन के डेप्थ से नीचे जाना होता है,
तो फिर वहाँ पर मिट्टी जो निकाली जाएगी उससे दूसरे कॉलम के फाउंडेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बाद में कर रहे हैं मतलब और सब कॉलम आपने ढाल लिया है, लास्ट में आप सेप्टिक टैंक का काम करवाना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए बिल्डिंग के ही कॉलम से सेप्टिक टैंक का काम ले लिया जाता है। ठीक है, अगर सेप्टिक टैंक को दो सेक्शन में बांटा जाए तो आप इस टाइप से समझ सकते हैं। देखिए, ये सेप्टिक टैंक का आउटर वाल हो गया, इसमें एक सेक्शन यहाँ बांट दिया गया है। अगर इसका सेक्शन देखें तो देखिए इसमें ये इनलेट है, ये वाला जो पाइप है वो इनलेट है, ये आउटलेट है, यानी यहाँ से मलबा अंदर आएगा, यहाँ से मलबा अंदर आया, यहाँ से अंदर आके फिर ऐसे आया और फिर यहाँ से आउटलेट से चला गया। ये दो सेक्शन हो गया। अगर तीन सेक्शन की बात करें तो वो मेरे पास सैंपल एक बना हुआ है। तीन सेक्शन में देखिए ये 15 फीट बाय 7 फीट का एक सेप्टिक टैंक बना है। अगर इसका सेक्शन देखें तो जैसे ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो यहाँ से मलबा आएगा, मलबा यहाँ से आकर के जब इसमें यहाँ से आकर के इसमें आएगा, जब ये इस लेवल में आ जाएगा पूरा, तब यहाँ से फिर इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा, फिर ये भरेगा, भरने के बाद तब जा कर के आउटलेट पाइप के माध्यम से ये चला जाएगा कहाँ, सॉक पिट में। तो ये तीन सेक्शन है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या है कि जैसे ये जो डिवाइडिंग जो वाल है, ये पार्टीशन है, इसमें करना क्या होता है, मैं अभी बनाऊंगा तो उसमें ये काम करूंगा। ये जो पार्टीशन वाल है, इसमें नीचे से कम 10 इंच या 15 इंच का हम पार्टीशन नीचे से देंगे यहाँ से। और उससे क्या होगा कि ये जो इनलेट से जो भी मलबा आएगा, वो मलबा इस पार्टीशन, ये पार्टीशन उस मलबे को रोकेगा और वाटर सिर्फ इधर आएगा, वाटर इधर आएगा। वाटर का जब फ्लो होता है, वाटर का जब फ्लो होता रहता है, तो फिर सेप्टिक टैंक जल्दी नहीं भरता है। अगर वाटर का फ्लो नहीं होगा तो सेप्टिक टैंक जल्दी भरने लग जाता है। सेप्टिक टैंक मूल रूप से वाटर की वजह से ही भरता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहीं पर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, पहले मैं लाइन कमांड को यूज़ करता हूँ और 15 फीट का लाइन ले लेता हूँ, और इस तरफ 8 फीट का लाइन ले लेता हूँ, और इस तरफ भी 8 फीट का 15 फीट का लाइन ले लेंगे, 15 फीट, और उसको इससे मिला देंगे। ये हमारा सेप्टिक टैंक का क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया, आउटर पार्ट आप कह सकते हैं ये हो गया। अब इसके बाद पहले इसमें आउटर वाल के लिए हम ऑफसेट लेंगे, तो आउटर वाल हम रखेंगे 10 इंच। तो ऑफसेट कमांड में आकर के हम 10 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, इससे अंदर, इससे भी अंदर, इससे अंदर और इससे भी अंदर। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को हम कर लेंगे ट्रिम। अब इस पूरे पार्ट को मुझे तीन पार्ट में बांटना है, तो इसका अगर लेंथ चेक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 13 फीट 4 इंच आ रहा है, 13 फीट 4 इंच। इसका डायमेंशन स्टाइल मैं यहाँ से एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ये विजिबल हो। ये 13 फीट 4 इंच है। तो फर्स्ट सेक्शन जो रखेंगे, ये मेरा आउटलेट वाला एरिया होगा, इनलेट वाला एरिया होगा। इस साइड से इनलेट पाइप रहेगा और इस साइड से आउटलेट पाइप रहेगा। तो फर्स्ट सेक्शन को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 फीट का ऑफसेट ले लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। इसके बाद फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे और 5 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। अब उसके बाद देखते हैं कि डायमेंशन कितना आ रहा है। ये है मेरा 17 फीट 11 इंच, 17 फीट 11 इंच। ऑफसेट कमांड में आते हैं और 4 फीट का ऑफसेट लेते हैं इससे इस तरफ, और फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 5 इंच का ऑफसेट लेते हैं इससे इस तरफ। अब इसका डायमेंशन कितना बच रहा है वो देखते हैं।
ये है 3 फीट 6 इंच और ये है 4 फीट, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वल करना चाहेंगे तो एक काम करते हैं, 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है तो इस साइड हम 3 इंच इसको मूव कर लेंगे तो दोनों साइड अब इक्वल हो जाएगा, 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच, ये हो गया। अब उसके बाद ये एक तरह से समझिए तो मेरा प्लान रेडी हो गया। अब इसमें यहाँ पर पाइप, आउटलेट पाइप और इनलेट पाइप जो है वो हम बना लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम कहीं से भी, जैसे यहाँ है ना, यहाँ से हम 6 फीट का एक लाइन ले लेते हैं और ऑफसेट में आते हैं, 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं इससे, इसको हम 1 फीट अंदर कर लेंगे, इसको भी हम 1 फीट अंदर कर लेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्क कमांड को यूज़ करके इसको राउंड नुमा दिखा देंगे, इसी को मिरर कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये अभी हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्लान, सेक्शन नहीं बना रहे हैं, जो पाइप को ऊपर या नीचे करके दिखाना होगा, क्योंकि इनलेट वाला जो पाइप होगा वो ऊपर होगा और आउटलेट वाला जो पाइप होगा वो थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। तो अभी हम प्लान बना रहे हैं तो प्लान में ऊपर नीचे तो पता चलेगा नहीं, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसी लाइन को हम मिरर कर लेते हैं दूसरी तरफ, ये हो गया। अब इसमें एक काम और करते हैं, काम क्या करना है वो देखिए, इसके मिड से इसके मिड पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ से यहाँ, ये 6 फीट 4 इंच है, 6 फीट 4 इंच, तो ऑफसेट कमांड में आएंगे, 18 इंच का यानी 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट इस तरफ से, 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट इस तरफ से हम ले लेंगे और इसको ट्रिम कर, इरेज कर लेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा जो बीच में हम सेक्शन बनाएंगे उसमें हम, मतलब दिखाने के लिए कि यहाँ पर से खाली स्पेस है, वो फ्री स्पेस है जिससे जो वेस्टेज वाटर है या जो भी मलबा वगैरह है वो इससे क्रॉस करेगा इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लान। अब इसमें हम हैच कमांड को यूज़ करते हैं, हैच कमांड को यूज़ करके इसमें हम फिल करेंगे, यहाँ से स्केल को हम बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इसका डेंसिटी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको 20 कर लेते हैं, ये हो गया। अब मैं डायमेंशन स्टाइल में आता हूँ और यहाँ से मैं डायमेंशन जो छोटा बना होगा वो मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसका डायमेंशन ऊपर दिखाएंगे, ये 10 इंचेस है और कंटिन्यू कमांड में आएंगे, हर पार्ट का डायमेंशन दिखाना होगा, क्योंकि ये ड्राइंग छोटा है तो इसको, जैसे देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट आउट अगर करता हूँ, देखिए प्रिंट में काफ़ी छोटा दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, हम डायमेंशन स्टाइल में आ जाएंगे। अभी ये जो हमारा डायमेंशन स्टाइल है वो फुटिंग में सेट किया हुआ है, तो उसी डायमेंशन स्टाइल में आकर के, फुटिंग नाम का डायमेंशन स्टाइल है ना,
एक न्यू डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम रख लेंगे डीम सेप्टिक टैंक, ठीक है, और स्टार्ट विथ फुटिंग करके कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर हम फिट वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ से डायमेंशन टेक्स्ट का जो स्केल है उसको बढ़ा करके 15 कर लेते हैं। 15 में देख लेंगे कि विजिबिलिटी जो है टेक्स्ट की वो कैसी आ रही है। अभी तो ये हमारा जो डायमेंशन स्टाइल है वो फुटिंग में किया गया है, हम इसको चेंज करने वाले हैं डीम सेप्टिक टैंक में। मैच कमांड को यूज़ करते हैं और इसको मैच कर लेंगे, बल्कि सबको मैच कर लेते हैं। देखिए अब ठीक है, ये हो गया। और ठीक उसी तरीके से मुझे इस साइड का भी डायमेंशन दिखाना होगा। फिर से डायमेंशन कमांड में आएंगे, कंटिन्यू में आएंगे, ये हो गया। फिफ्टीन जो है ना उसको 18 कर लेते हैं, 15 को बढ़ा करके 18 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, सही रहेगा, 20 में सही से विजिबल होगा। हाँ ठीक है, ये हुआ सेक्शन वाइज सेक्शन डायमेंशन। इसको डायमेंशन टेक्स्ट को बाहर करना होगा। इसको भी बाहर कर लेते हैं, और इसको भी बाहर कर लेते हैं। ये हो गया। अब इस साइड इसका ओवरऑल डायमेंशन शो करके दिखा देंगे और इस साइड इसका ओवरऑल डायमेंशन शो करके दिखा देंगे। इसको और इसको सेलेक्ट करके दूसरे डायमेंशन स्टाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा डायमेंशन है। इसको मैं कर लेता हूँ 20। इसके बगल में मुझे यहाँ पर सोक पीट का डिज़ाइन बनाना होगा, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, सर्किल कमांड को यूज़ करता हूँ और इसके मिड पे 3 फीट का सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके मिड पे क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका सेंटर मुझे मिल जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर बाहर में अभी फ़िलहाल यहाँ पर रखता हूँ, फिर बाद में इसको बाहर कर लेंगे। अब हम 10 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे बाहर। क्यों बाहर लेंगे, क्योंकि ये आउटर वाल हो जाएगा सेप्टिक सोक पिट का। ये हो गया। अब हैच कमांड को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हैच पैटर्न फिल कर लेंगे। ये भी ब्रिक वर्क होगा और इसका मेज़रमेंट यहाँ दिखाना होगा और फिर इसका और इसका मेज़रमेंट यहाँ दिखाना होगा। ये हो गया। अब इसमें
क्या दिखाना है, जो इसका ऊपर का जो मेन होल कवर होता है उसको भी तो मुझे बनाना होगा। तो वो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 1 फिट का। कितने का? 1 फिट का। ऐसे मेन होल कवर जो है वो आप अपने मतलब उसका कोई ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा हो इतना ही छोटा हो, है ना। मैं यहाँ पर 1 फिट का रखने वाला हूँ, मतलब 1 फिट का मतलब हो गया 6 इंच रेडियस। तो उसको देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के लिए पहले यहाँ से इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट निकल गया। अब इसके सेंटर पे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे 1 फिट यानी 12 इंच रेडियस का। इसको पकड़ के हटाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके सेंटर पे भी मुझे रखना होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से यहाँ एक लाइन ले लेता हूँ। इसको कॉपी कमांड को यूज़ करके यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर कॉपी कमांड को यूज़ करके यहाँ वाला बेस पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा दिखाने के लिए थोड़ा। और फिर इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे। सोक पीट में भी सेम, हालांकि इसका ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पूरा कास्टिंग होता है, ये पूरा कवर इस पे कास्टिंग होगा, तो वो भी रह सकता है, या अगर सिर्फ चाहे तो एक होल अलग से बना करके उसको कास्टिंग कर लीजिए, ताकि सिर्फ इसी को निकाल के अगर सोक पीट को साफ़ करवाना हुआ तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या प्लान ऑफ सेप्टिक टैंक। अब मैं किसी एक डिटेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट वाले को, यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हो गया मेरा प्लान ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट। इसको इस तरह से बीच में रख लेंगे और थोन कर लेते हैं। स्केल कमांड को यूज करते हैं, डबल कर लेते हैं। अब इसका एक सेक्शन लाइन हम यहां से देखिए, जैसे ये आउटलेट हुआ ये आएगा इसमें, इसको मुझे यहाँ दिखाना होगा ऐसे करके, ये हुआ। और ठीक इसी तरीके से ये जो है इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे दिखाएंगे। इससे अगर हमें इसको बगल में अगर नाला है उसमें डालना है तो आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं कि हो गया हमारा प्लान ऑफ सेप्टिक टैंक। इसका सेक्शन व्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।